गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आई रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि इंजीनियरिंग मैथ्स पार्ट वन में हम बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आपको बता चुके हैं, आज का हमारा टॉपिक का नेम है इनडेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले हमने आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके एप्लीकेशन क्या है अदर कोर ब्रांचेस में। आज हम इसके सेकेंड पार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, इसके बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं इन डेली लाइफ इन अदर कोर ब्रांचेस में। ठीक है, तो वन बाय वन इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, आज का टॉपिक है इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रल्स का एग्जांपल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड द नेट चेंज थ्योरम। इट्स आल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड द नेट चेंज थ्योरम। इन दिस सेक्शन वी इंट्रोड्यूस्ड अ नोटेशन फॉर एंटी डेरिवेटिव, रिव्यू द फॉर्मूला फॉर एंटी डेरिवेटिव एंड यूज देम टू इवेलुएट डेफिनेट इंटीग्रल्स। वी ऑल्सो reformulate FTC2 in a way that makes it easier to apply to science and engineering problems. Indefinite integrals क्या होता है, इस तरीके की देखिए calculation आपको दी है। Both part of the fundamental theorem establish connection between antiderivatives and definite integrals. Part 1 says that if f is a continue then integration का sign limit a to x ft dt is an antiderivative of f. Part 2 says that a to b इंटीग्रेशन की लिमिट है f of x dx can be found by evaluating f of b minus f of a where capital F is an antiderivative of f. ठीक है, इस तरीके की देखिए इक्वेशन, इंटीग्रेशन का साइन है f of x dx is equal to capital F of x means f dash x is equal to small f of x. तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट ऑल्सो इंटीग्रेशन का साइन x square dx, एक्स स्क्वायर को इंट्रीगेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इंट्रीगेशन आएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, बिकॉज डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यू शुड केयरफुली बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। कैपिटल ए डिफाइंड इंटीग्रल, ए टू बी लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज अ नंबर वेयर एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल इंट्रीगेशन का साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज अ फंक्शन, फैमिली और फंक्शन। ठीक है, इस तरीके देखिए एक एग्जांपल अलग दिया है हमने, एक और एग्जांपल लिया इंट्रीगेशन का साइन एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंट्रीगेशन क्या होता है, टेन एक्स प्लस सी। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का बेसिकली मीन होता है कि जहां आपको लिमिट नहीं दी जाती, जहां सिर्फ आपको विदाउट लिमिट अपने गिवन इंट्रीगेशन के अंदर जो फंक्शन दिया है उसको इंट्रीगेट डायरेक्ट करना है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि फंक्शन के साथ साथ लिमिट भी दी जाती है। ये कुछ फॉर्मूले हैं, प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर यूज करना है जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए। ये एक और एग्जांपल लिया हमने, इस तरीके से भी फंक्शंस आते हैं। ये एक और एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है उसके अंदर फंक्शन है कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। ये एक और एग्जाम्पल लिया, ये उसका सोल्यूशन है। तो मतलब कि सिंपल सी बात है कि ये जो सोल्यूशन है अगर लिमिट दी जाएगी तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल है, और अगर लिमिट नहीं दी है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एग्जांपल। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन सही करना है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, पार्ट टू ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम सेज दैट इफ स्मॉल एफ इज अ कंटिन्यू ऑन ई कॉमा बी देन इंटीग्रेशन का साइन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वेयर कैपिटल एफ इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ। दिस मीन्स दैट एफ डैश बराबर स्मॉल एफ, सो द इक्वेशन कैन बी री राइट एज इंट्रीगेशन का साइन लिमिट ए टू बी एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसकी और कंडीशंस हैं, सो वी कैन रीफॉर्मुलेट एफ टी सी टू इनवर्स एज फॉलोज, नेट चेंज थ्योरम इस तरीके से अप्लाई। इसको नेट चेंज थ्योरम भी कहा जाता है, ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये और एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जिसको हम यूज़ करते, देखो ये ग्राफ के थ्रू बताया है। इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पार्टिकल्स मूव्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है इंटीग्रेशन की, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की ये सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज़ किया है। ये इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं,
इंट्रीगेट किया, लिमिट रखी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टूडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में आपने देखा कि किस तरीके से हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, किस तरीके से ये अदर कोर ब्रांचेस में और अदर सब्जेक्ट्स में यूज़ किया जाता है, इसके द्वारा हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में और डिटेल में और डीप में बताएंगे. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टूडेज लेक्चर. हैव ए नाइस डे. टेक केयर. स्टे